दुर्ग के गोंडवाना भवन में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समाज के लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय गुड़ महासभा धमधागढ़ के तत्वावधान में आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में दुर्ग के गोंडवाना भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इसके साथ ही गोंड समाज के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। गंगालीन माता की वीरांगना रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गा आ जाइए पास में। मैं ममता शिंदे जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा राजकीय गीत है हर पापा। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी गोड़िया, ये बड़े हमारे समाज के लिए हर्ष की विषय है। हमारा उनका सशत अभिनंदन है, सशत स्वागत। हमारे दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम के बहुत जन पार्षद मन, हमारे पार्टी पदाधिकारी मन दिखाते सादर अभिवादन, उपस्थित सब हमारे गोड़ समाज के सब वो भाई बहनी मन, लड़का मन, पत्रकार संगवारी मन, अधिकारी केंद्रीय गोड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर में रानी दुर्गावती और छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी ला नमन करते हुए जे मन सर्वोच्च बलिदान करे हमला नमन करते हुए अपन बात मैं रखना चाहता हूँ। हमार साथी मन पूर्व वक्ता मन अपन स्वागत भाषण में और आदरणीय एम डी ठाकुर गुड़वाना राज के जबका राजा महाराजा मन रही से लख बर्मन के काम उस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी। एक बार पाटन में आ रही एम डी ठाकुर तबो हफ्ते कन पूरा जानकारी पूरा रखा गए हफ्ते का नाम कहाँ सुरता रहेगा लेकिन पूरा सुरता करके रखे रहे और बिल्कुल बटन दबा दे जैसे टेप रिकॉर्ड शुरू होते नहीं इतने एम डी ठाकुर पूरा याद ऐसे लोग बहुत बहुत धन्यवाद काबर के जिन समाज अपन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखा है, पूर्वज मन के योगदान के बारे में जानकारी नहीं रखा है, वो समाज के भविष्य उज्जवल नहीं रहा। और जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी ऐसे दिव्य आत्मा को नमन करने उसे स्मरण करने का आज दिन है और बड़ी संख्या में हमारे गुणवाना समाज के लोग आए थे और बड़ी सफलता कम और इस अवसर पर रानी दुर्गावती के योगदान को सब लोगों ने न केवल स्मरण किया बल्कि नमन किया और ये जगह हमारे आदिवासियों के गोंड समाज के धार्मिक स्थल भी है, कंकालीन मंदिर भी है और यहाँ हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है तो यहाँ एक बढ़िया भव्य सेट बने इसलिए मैंने 50 लाख रुपये देने की बात उठाई जा रही है। और चूँकि संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति यदि धर्मांतरण करे तो उसका अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता लेकिन जनजाति यदि कोई धर्म स्वीकार करे है ना तो चाहे वो हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, बौद्ध बने, जो भी धर्म अपनाए तो फिर उसका उसके लाभ से आप वंचित नहीं कर सकते। ये संविधान में व्यवस्था है और संविधान में परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार में यहाँ सांसद 9 सांसद हैं भाजपा के, वो यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? लोकसभा में परिवर्तन कर ले क्योंकि बहुमत में उसकी सरकार है।
क्यों नहीं करते उसको, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। सफल कार्यक्रम था, पूरी ताकत लगाने के बाद भी 15,000 अधिकतम उतना ही रहा होगा, उससे अधिक भीड़ नहीं थी, और पूरी ताकत लगा दी। इसका मतलब ये है कि भीड़ जुटाने में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि लोग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और केंद्र सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया, खाद की कीमत, खेती किसानी के दिन है, महंगाई चरम पे है, खेती लागत आधी हो गई, जबकि आय दुगुनी करने की बात कही थी वो आधा हो गया, और ये ट्रेनें जो चलती थी वो बंद हो गया, इतने ट्रेनें बंद हो गया, तो इससे आम जनता इसे परेशान है, और इसी कारण से इसके इसमें भीड़ नहीं आ रही। दो पत्तियां केक काटने जरूर जाएंगे लेकिन नहीं गए। भारत सरकार क्या कर रही है, वो तो धन्यवाद दिए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रियों के, तो चुप क्यों हैं? यदि बजरंग दल के दूसरा कोई डायरेक्टर होता, निर्माता होता, उसके पिक्चर होती तो अभी तक आग लगा चुके होते। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, उसके मुख्यमंत्री को उसके नाम का उल्लेख है, उसके प्रति आभार व्यक्त किया है तमाम भाजपा के मुख्यमंत्रियों का, इस कारण से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो देर हम क्यों करें? आप क्यों नहीं करवा रहे? सेंसर ने कैसे कर उसे पास कर दिया, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर पटना में महासभा, ये तो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के विचार होंगे, और उसमें विचार विमर्श होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद बहुमत आती है तो राहुल जी प्रधानमंत्री बने। देखिए, न उसके साथ किसान है, न उसके साथ मजदूर है, न उसके साथ व्यापारी है, न उसके साथ नौजवान है, न उसके साथ अनुसूचित जाति है, न जनजाति है, तो कहाँ जीत सीट आएगी? अभी देख, पहले 15 सीट जीते थे, 14 हो गया, अब 13 रह गए। गौरतलब है कि कचना गुरुवार स्थित गोंडवाना भवन में आयोजित कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष MD ठाकुर ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए रानी दुर्गावती का जीवन और गोंडवाना साम्राज्य का परिचय दिया। भोपाल का, भोपाल शाह के बाद राजा नरपत शाह के बाद राजा सुल्तान सिंह के बाद कर्णदेव के बाद अनेक ऐसे राजा हुआ है। जिस पवित्र भूमि में आप बैठे हैं, इसके बनाने वाला, इसको बसाने वाला, ये पवित्र भूमि दुर्ग शहर को बसाया है तो राजा जगतपाल सिंह, जरा जोरदार ताली बजाइए, और रायपुर को बसाने वाला राजा राय सिंह, तालाब का निर्माण, बूढ़ादेव तालाब का निर्माण करने वाला गोड़ राजा राय सिंह रहा है। ऐसे अनेक राजा महाराजा हैं। इसी कड़ी में शहर विधायक अमोरा ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर समाज के आगे बूढ़ा देव का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगामी चुनाव में भी जीत हासिल करने अपनी शुभकामनाएं दी। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।